आकाशा परवीन। उपसभापति महोदय, आपने मुझे मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2013 पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका और अपनी पार्टी के नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्हें ये बिल लाने का मौका मिला। 2014 में पूर्व केंद्र मंत्री, स्वास्थ्य केंद्र मंत्री जनाब हर्षवर्धन साहब ने आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एक बात कही थी। वो बात ये कही थी कि वो बहुत जल्द एक बिल लाने जा रहे हैं जो गरीबों के लिए होगा। शायद इसी बिल की चर्चा वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जो होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर दोष मढ़ने के खिलाफ जागरूकता फैलाना होगा, इस बिल का उद्देश्य होगा। शायद यही उन्होंने ये बात कही थी। ये बिल मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को भर्ती करने, उनके उपचार करने और उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी स्पष्ट करता है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने का निर्णय जहां तक संभव हो अस्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वह स्वतः निर्णय लेने की स्थिति में असमर्थ हो या किसी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें किसी और के हवाले से रोगी को भर्ती करना अनिवार्य होगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरी कुछ आशंकाएं हैं जो मेरे दिल में आ रही हैं, मैं उसको आप तक रखना चाहूंगी और जब आप जवाब देंगे तो मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप जरूर दें। माननीय मंत्री महोदय, आपके अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ कौन है? मानसिक रूप से अस्वस्थ आपके अनुसार डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ कौन है? तो मानसिक रूप से अस्वस्थ जो शिजोफ्रेनिया के शिकार हैं वो हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ आपकी नज़र में कौन है? तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बाइपोलर सिंड्रोम के शिकार जो व्यक्ति है वो है। मैं माननीय मंत्री जी से उस तरफ आकर्षित कराना चाहूँगी ध्यान, कि आपका ध्यान उन गरीबों के तरफ नहीं गया, आपका ध्यान उन औरतों, मजलूम औरतों के तरफ नहीं गया जो सड़क पे, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डे पर या गली और कूचों में इस तरह से घूमती हैं, जिनके तन में सही कपड़े नहीं रहते और उनके वो खाना जो है, जैसा कि अभी पूर्व सांसद महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि खाना जो है वो गार्बेज से ढूंढ कर खाते हैं, उनके तरफ आपका ध्यान नहीं गया। ये इस पर जो हमें लगता है कि इस पर ध्यान दिया गया है कि जो अमीर लोग हैं उनके तरफ, जो इस तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं उनको देखकर ध्यान दिया गया है। ये बीमारियां डिप्रेशन या सिजोफेनिया या बाई सिंड्रोम की, जो पोलर सिंड्रोम की जो बीमारियां हैं, ये अमीरों की, रईसों की बीमारियां हैं। हम गरीब जब पैदा होते हैं तो इन सब बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं। जब अमीर व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, जब वो अपनी ख्वाहिश नहीं कर पाते हैं पूरी, तो उन्हें डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, इस वजह से हम डिप्रेशन में होते हैं। आप जो बात कर रहे हैं सिजोफेनिया की, हम लोग उसको आम चोवल चाल की भाषा में झुंझलाहट कहते हैं। सिजोफेनिया और क्या है, झुंझलाहट ही है। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि आप जो ये विधेयक बना रहे हैं, इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति उस वक्त मानसिक रूप से ग्रस्त माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के तहत दंड दित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह का जो अपराध करने वाले रईस लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार बताकर इस दंड से बच जाएंगे। मेरी चिंता उन औरतों की है जो ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं और प्रताड़ना के से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। उनके ससुराल वाले इस बिल के माध्यम से वो अपना बचाव ढूंढ लेंगे।
मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपने जो विधेयक लाए हैं इसमें कुछ अच्छे भी चीजें हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं, लेकिन आप जब अपना वक्तव्य देंगे तो इन सब चीजों पर जरूर गौर से हमें बताएंगे कि इस तरह की जो बिल है वो गरीबों के लिए अत्याचार ना बन जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने जो बताया आपका मैं स्वागत करती हूँ, इसलिए कि आपने अपने बिल में ये कहा है कि अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण पर सरकार को परामर्श देगा और आयोग राज्य सरकार की सहमति से राज्य के जिले में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन होगा। आप ये बताएं कि आप जो गठन करेंगे इसमें कितनी राशि आप सरकार राज्य सरकार को देने का काम करेंगे और वक्त वक्त पर आप जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करेंगे। आपने आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस घटना से परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा पा रहा है। मैं एक वाकया बताती हूँ, भागलपुर का ही वाकया है। जब मैं भागलपुर में थी एक पत्रकार बंधु ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम आपके ही इलाके में आपके ही क्षेत्र में शहर के बीचों बीच एक निवस्त औरत घूम रही है और इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ की जो एसपी थी वो महिला थी, सिविल सर्जन जो थी वो महिला थी और मैंने एसपी को फ़ोन किया और उनको बताया कि इस तरह की एक महिला घूम रही है निवस्त्र। उसको तब सिविल सर्जन के यहाँ महिला थाना की कांस्टेबल के साथ में उसको भेजा गया और उसका इलाज कराया गया, लेकिन इससे कहीं ये नहीं होता है। पहले सरकार को ये आंकड़ा भी ये करना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हैं और हमें मंत्री जी इन दोनों के बीच जो है फर्क बताने का काम करेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया श्री दिलीप।